खलारी प्रखंड के लबरा पंचायत के ग्रामीणों ने फर्जी कागजात बनाकर भूमाफियाओं के द्वारा जमीन हड़पने सहित अन्य मुद्दों को लेकर मंगलवार को खलारी प्रखंड मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में जीप सदस्य सरस्वती देवी, भाजपा खलारी मंडल संयोजक राम सूरत यादव और भाजपा युवा नेता प्रताप यादव मुख्य रूप से ग्रामीणों के साथ शामिल हुए। धरना प्रदर्शन में ग्रामीणों ने खलारी अंचल और प्रखंड कार्यालय से जुड़ी अनेक समस्याओं को बताया, जिनमें गरीबों के पास राशन कार्ड नहीं होना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, आपदा में क्षतिग्रस्त हुए मकानों के मुआवजा नहीं मिलने सहित अन्य मुद्दे शामिल है। वहीं ग्रामीणों ने मांग करते हुए कहा कि भूदान में मिली जमीन का सही मालिकाना हक उन्हें दिया जाए, साथ ही जमीन को पंजी 2 में अंकित किया जाए। ग्रामीणों की ओर से कहा गया कि जमीन दलालों, दबंगों, चोर लुटेरों से उनकी जमीन को बचाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदेही विभागीय अधिकारी की होगी। धरना प्रदर्शन के अंत में ग्रामीणों ने जीप सदस्य सरस्वती देवी की अगुवाई में खलारी अंचलाधिकारी शिशुपाल आर्य और प्रखंड विकास पदाधिकारी लेखराज नाग को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। शासन हो उसमें आओ, सरकारी कर्मचारी हो उसमें आओ, सरकारी कर्मचारी हो उसमें आओ, विधवा पेंशन चालू करो, विधवा पेंशन चालू करो, विधवा पेंशन चालू करो, जमीन दलाली बंद करो, जमीन दलाली बंद करो, जमीन दलाली बंद करो, प्रखंड पदाधिकारी होश में आओ, प्रखंड पदाधिकारी होश में आओ, प्रखंड पदाधिकारी होश में आओ। धरना प्रखंड में दिया गया है, इसमें आज सबसे ज़्यादा लपरा पंचायत और मायापुर पंचायत के लोग हैं। इन्होंने मेरे पास बहुत अपना समस्या लेकर के आए, जिसमें जितने भी गरीब हैं यहाँ प्रखंड से बहुत उम्मीद लगा करके हैं, अपने मुखिया से बहुत उम्मीद करते हैं, लेकिन इनका कोई भी एक उम्मीद पूरा नहीं हो रहा है। सबसे पहले समस्या है वहाँ जमीन का, जो जमीन इनको दिया गया है उसको भी लोग छीन रहा है, और आवास का भी समस्या है, राशन कार्ड का समस्या है, मतलब बहुत सारा समस्या है इनका। तो आज हम लोग वीडियो और सीओ से ये ज्ञापन देंगे और उनसे कुछ वार्तालाप भी करेंगे, और इनका समस्या अगर ब्लॉक से नहीं दूर होता है, ब्लॉक किस लिए है, ब्लॉक तो ग्रामीण के लिए है, ग्रामीण का समस्या के लिए है। अगर ब्लॉक से समस्या ग्रामीण का दूर नहीं होता है, और हम सभी मुखिया 7 पंचायत मेरा पड़ता है, 7 पंचायत का मुखिया से भी इस बात को रखेंगे, अगर मुखिया भी अगर ये लोग को साथ नहीं देती है, उसके बाद हम उसका भी एक्शन लेंगे और प्रखंड में भी ताला बंद करेंगे। जब हमारा ग्रामीण का कोई काम ही नहीं पूरा होगा, यहाँ से काम ही नहीं होगा, तो यहाँ पर ब्लॉक रहने का कोई मकसद ही नहीं है, फिर यहाँ पर हम खुद अपना हाथ से आज एक दिवसीय धरना लपरा पंचायत के विभिन्न गाँव से ग्रामीण यहाँ पे इस खलारी प्रखंड के प्रांगण में पहुँचे हुए हैं। और बिहार जिला के से लपरा, जब बिहार से जब लपरा माने झारखंड अलग हुआ था, और उसके बाद भी आज 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ, आज 23 साल हो गया है, और लपरा के भूमिदान यज्ञ कमेटी के द्वारा जो भूमिहीनों को जमीन मिला था उसका मतलब पूरा क्लियरेंस, भूमि जो जिनको मिला है उनके पास उनका रसीद नहीं है, रसीद आज तक कट नहीं पाया है, उनका पंजी 2 में नाम नहीं है, और जब सर्टिफिकेट वो दिखाते हैं कि हमको भूमिहीन जमीन थे और उस भूमिदान हमको जमीन मिला है, और उस भूमिदान जमीन का सर्टिफिकेट दिखाने के बावजूद भी लोग उसको मान नहीं रहे हैं, उस जमीन का दलाली हो रहा है, उस जमीन को बेच दिया जा रहा है, गरीब जो हमारे मजदूर और किसान थे उनको जमीन को छीन कर ईंटा भाटा खोला जा रहा है, उन जमीनों को बेच के और जमीन दलाली किया जा रहा है, उन सारे मुद्दों को लोग लेके, और साथ ही जो ग्रामीण के जन समस्या है जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, राशन कार्ड, आधार कार्ड,
इन सारे समस्याओं को लेकर आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और काफी खलारी के अंचल का काफी शिकायत आ रहा है कि काम नहीं करता है, रसीद नहीं काटता है, किसी का ऑनलाइन नहीं करता है। इस तरह का अनेक गांव का भी समस्या है। लपरा तो है ही, मायापुर है ही, इधर होर से भी आया था कुछ समस्या, जिसके लिए एक दिन हम लोग बैठे भी थे, आश्वासन भी मिला था, लेकिन अभी तक उन लोग का भी काम नहीं हुआ है। अब वीडियो के द्वारा जो काम होना चाहिए ब्लॉक का डेवलपमेंट का, वो भी काम पूरी तरह से नहीं हो पाता है। गरीब जनता आता है जाता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। इसको जल्द से जल्द जो भी समस्या आता है उसको समाधान करें यहाँ के पदाधिकारी ब्लॉक का अंचल का, और नहीं तो आने वाला दिन में मतलब कि ज़्यादा जोर शोर से आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेवारी खुद यहाँ के पदाधिकारी अंचल के और ब्लॉक के पदाधिकारी होंगे।